Hello friends, welcome back to channel, that is Sagar's Life, our channel name. So as promised in last video, in today's video I am going to do chain tight of my RR310. Also iske baad chain clean aur loop kar dunga. So aapko chain ki looseness dikha deta hu, jaise maine last video mein dikhai di thi. Ab ye dekhiye, chain bahut loose ho chuki hai. Approximately 800 kilometers maine cover kar liye after doing the second service throughout the Mahabaleshwar and in Mumbai city. So chain loose ho chuki hai, to mujhe ab tight karni padegi. All the details has been given yahan pe. Also for chain tightening hame kya karna padega, ye jo nut hai usko loose karna padega aur ye bolt loose karke chain ka play adjust karna padega. Same bolt aapko right hand side pe mil jayega, to dono ka play proper hona chahiye, to iska play proper ho jayega. So iske liye jo tool lagta hai हमको प्रोवाइड किया गया है अपनी बाइक के टूल किट में. आप इसके अंदर आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा ये टूल. ये प्रॉपरली बैठ जाता है, 27 का साइज का बोल्ट है ये. ये परफेक्टली बैठता है और इसके अंदर ये फॉर हैंड ग्रिप ये दिया हुआ है. सो ये इसके अंदर चला जाता है और आपको प्रॉपरली कर सकते हो. मगर आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस वन बिकॉज आई ऑलरेडी ब्रॉट दिस थिंग्स द बिगर वन इन लास्ट वीडियो विच यू हैव शोन इज द स्मॉल वन एंड दिस इज़ द बिग वन. सो ये है टूल किट द हेवी वन. सो ये 27 नंबर है, वो इजीली बैठ जाएगा उसके अंदर. आपको दिखा देता हूँ, हियर इट इज़, ये बैठ गया. और फिर रैचेट टूल से उसको लूज कर दूंगा. एंड दिज आर द थिंग्स, ये जो 30 नंबर का पाना यहाँ पे यूज़ होगा फॉर लूजिंग एंड टाइटिंग द प्ले ऑफ चेन. और फिर उसके बाद चेन टाइट हो जाती है, उसके बाद चेन क्लीन, चेन लूप और गियर ऑयल 90 आई एम गोइंग टू यूज़ बिकॉज चेन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है. क्लीन है मगर पूरी ड्राई हो चुकी है चेन, तो उसको लूप करना पड़ेगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो दिस टूल आई एम गोइंग टू यूज, इट इज़ द वेरी हैवी वन. इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू बाय आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बट वॉट आई हैव डन दिस, आई हैव ब्रॉट इट फ्रॉम लोकल मार्केट. ऑनलाइन तो बहुत ही महंगा था, तो लोकल मार्केट से मुझे 1600 में मिल गया. सो आई विल सजेस्ट यू टू ट्राई टू सर्च इट ऑन लोकल मार्केट. बहुत हेवी ब्रांड है. सो इस बोल्ट को थोड़ा लूज करना है, ज़्यादा भी नहीं. सो इसी नट को अगर पूरा निकाल दोगे तो ये आपका रियर मडगार्ड रिमूव हो जाएगा. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन इट दैट हाउ टू रिमूव दिस रियर मडगार्ड. मगर अभी नहीं, अभी मुंबई में बारिश है. सो जैसे बारिश चली जाती है मुंबई में, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन. सो आई विल मेक द वीडियो अबाउट इट. सो लेट्स ट्राई टू लूज दिस नट. अभी भी थोड़ा और चाहिए. अभी प्रॉपर लूज हो चुका है. आपको गैप दिखा देता हूँ उसके अंदर का. सो आप गैप देख सकते हो, इतना लूज होना चाहिए नट इसका प्ले प्रॉपरली एडजस्ट हो सके. आपको चेन का प्ले दिखा दिया है, इतनी लूज है. तो थोड़ी सी स्लाइड करनी है मुझको, ज़्यादा नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो नट है उसका प्ले थोड़ा लूज करना है. कैसे लूज हो गया, और उसके बाद इस नट को लेफ्ट हैंड साइड में टर्न करना है. यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जितना हम इस नट को लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, उतना ही सेम हमको राइट हैंड साइड भी करना है, तो उसका प्ले प्रॉपर रहे. इसको थोड़ा टाइट कर लिया मैंने स्लाइडली, ये आपको प्ले देख सकते हो. चेन थोड़ी थोड़ी टाइट हो रही है, तो अभी इतना ही प्ले हमको उस साइड पे करना है. चलो लेट्स डू इट ऑन राइट हैंड साइड. सो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा, पहले इसको लूज कर दूंगा. अरे वाह, ये तो हाथ से ही लूज हो रहा है, तो एक सर्विस मैकेनिक ने टाइट नहीं किया था. और उसके बाद इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है ऐसे. अब देख सकते हो, जैसे मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे टाइट कर रहा हूँ, ये जो है वो धीरे धीरे मेरे लेफ्ट साइड पे मूव हो रहा है. दैट मीन चेन टाइट हो रही, इसका पोजिशन टाइट होता जाता है. उसका कंसेप्ट बता देता हूँ. सो एवरी टाइम जब भी आप चेन टाइट करोते हो, ये इसका जो प्ले है वो धीरे धीरे यहाँ पे मूव हो जाता है. उस हिसाब से चेन जो है जो लूज़ होती रहती है नीचे की, वो खींची चली जाती है. और जैसे ये पोर्शन यहाँ पे मूव होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो चेन टाइट हो जाती है. दिस इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ चेन टाइटिंग. राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कर लिया हमने. अभी देख लेते हैं चेन का प्ले कैसे हुआ.
तो आप देख सकते हो चेन टाइट हो चुकी है, इतनी लूज थी और अभी इतनी टाइट हो चुकी है। आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट प्ले फॉर चेन एज पर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इतनी मूवमेंट तो चेन की होनी चाहिए, सो इट इज़ परफेक्ट नाउ। तो अभी क्या करते हैं, इस नट्स को वापस टाइट कर देते हैं यहाँ पे, इसको अभी कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको यहाँ पे जैसे था वैसे टाइट कर देते हैं। टाइट हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड का, नाउ लेट्स डू इट ऑन राइट हैंड साइड। पहले हाथ से घुमा लेता हूँ, टाइट परफेक्ट, थोड़ा और एक बार, परफेक्ट हो चुकी है। वापस आपको चेन का प्ले दिखा देता हूँ एक बार, परफेक्ट, ये चेन परफेक्ट टाइट हो चुकी है। अब इस नट को टाइट कर देते हैं। सो दैट्स इट माय फ्रेंड, बहुत छोटा वीडियो था, जस्ट आई जस्ट थॉट आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ईजी होती है। जस्ट आपको एक चीज़ होनी चाहिए, पैडॉक स्टैंड। इवन इनके आपके पास पैडॉक स्टैंड नहीं है, फिर भी आप अगर ध्यान से करोगे तो ये चीज़ इजीली हो जाएगी। दैट्स वाई टी वी एस ऑल्सो प्रोवाइड अस द मेन 27mm स्पैनर इन अवर टूल किट, दैट इवन वी कैन डू इट ऑन एनी वेयर ऑन वाइल टूरिंग ऑल्सो, अगर चेन लूज हो जाती है तो, ताकि हम खुद टाइट कर सकते हैं उसको, या इवन आप कोई मैकेनिक की हेल्प भी ले सकते हो, या इवन सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हो। आई जस्ट थॉट इजी प्रोसेस है, आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने सेम प्रोसीजर मेरी जिक्सर का भी दिखा दिया था। इफ़ यू गाइज नॉट वॉच दैट वीडियो, उसकी लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूँगा, गो एंड वॉच इट, वेरी इजी प्रोसीजर इट इज़। सो अभी क्या करूँगा, चेन आपको दिखा दी है, बहुत ड्राई हो चुकी है, तो चेन क्लीन करके उसको लूप कर दूँगा। उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, उसकी भी लिंक अभी आई बटन में आ जाएगी, आप देख लीजिए। चेन क्लीन और लूप करते हैं RR310। तो अभी तो वीडियो शूट नहीं करूंगा, एज यू गाइज ऑलरेडी नो। सो इफ एनी वे इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स और एनी ऑफ द फोरम यू गाइज वॉन्ट। एंड हाँ, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, हम थोड़े और मोटिवेट हो जाते हैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए। सो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, फ्री है। So this is Sagar signing off, bye bye. And ha, while riding, always your helmet, ride hard, ride safe, bye bye. So front chain pocket bhi open karke clean kar diya hai, aur chain bhi clean ho chuki hai. So it's now time to do chain loop. So aap dekh sakte ho chain ka play tight karne ke baad abhi engine running hai, फर्स्ट गियर में है भाई, और जो चेन वो परफेक्टली एक लाइन में मूव हो रही है, एग्जैक्टली सेम हमको प्ले चाहिए। तो मेक श्योर जब भी आप चेन टाइट करोगे और उसके बाद बाइक फर्स्ट गियर में रन करके चेक कर लेना, प्रॉपरली वन लाइन में चेन जा रही है या नहीं। अगर चेन थोड़ी लूज जा रही है, ऊपर की तरफ ज़्यादा टाइट जा रही है, तो मेक श्योर आप लूज़ कीजिए चेन का प्ले को। अगर एक वन लाइन में नहीं है, थोड़ी नीचे तरफ कर्व है, तो मेक श्योर आप उसको टाइट कर लीजिए। तो दिस इज़ द परफेक्ट चेन प्ले इन वन लाइन।